हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगर कंपनी में आप लोग आते हो, यहाँ पे एक ऐसा काम है, अगर आप लोग सीख कर आते हो ना, आप लोग को काफी ज्यादा पैसा मिलता है यार यहाँ पे। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये लोग भाई बस कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और इनको ज्यादा काम भी लगता नहीं, यानी कि कभी 3 महीने 4 महीने कभी हल्का फुल्का काम लग गया तो लग गया, लेकिन उनकी सैलरी कितनी होती है, 550 दिनार कभी कभी, यानी कि किसी किसी बंदे का प्रमोशन भी हो जाता है 1 साल में। तो हमारे भाई लोग काफी ज्यादा ऐसे हैं जो इंडिया में जो कोर्स वगैरह कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई भी रोजगार नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर वो लोग कुवैत में आए, यहाँ पे अगर कुवैत में काम करने के लिए आए, तो उनको अच्छा से अच्छा जहाँ पे पैसा मिल सके और अच्छे से जॉब मिल सके। तो ऐसा कौन सा काम है मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस, यहाँ पे बहुत ही सिंपल काम है और यहाँ पे एक मशीन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस मशीन को कैसे ऑपरेटर करना है, उस मशीन को कैसे चलाना है और उस मशीन में क्या काम करना रहेगा और इसमें क्या क्या सिस्टम रहता है, मैं आपको पूरा बारीक से बताने वाला हूँ। और इसमें कितना टाइम लगेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए, और आप लोग के इंडिया में भी इस तरह की मशीन होती है लेकिन हमारे भाई लोग को पता नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि सभी भाई लोग को पता हो, जितने भी भाई लोग इस काम में आना चाहते हैं और कंपनी में काम करने के आना चाहते हैं, यहाँ तक कि कंपनी नहीं, बड़े बड़े जगह जहाँ कोयती का हाउस होता है वहां पे प्रिंटर मशीन रखी जाती है, तो वहां पे इस तरीके का काम लगता है। तो चलिए, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और मैं गैस आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। और मैं आप लोग को ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को यहीं पे खत्म मत करें और आप लोग को पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पता चले हाँ यहाँ पे पैसा इस तरीके से मिलता है। गैस आप लोग देख सकते हो, ये वही मशीन है और इसको बोलते हैं अरबी में ताबा, ताबा इसको बोलते हैं अरबी में। और इसमें क्या काम करना रहेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर जैसे कि सिस्टम होता है ना, जैसे जैसे ये है ना, इसके अंदर बोलते हैं क्या वो है, टोनर बोलते हैं। टोनर को जब लगाएंगे ना तो इसमें देखो आवाज़ आने लगती है। तो इसको यानी कि पूरा सिस्टम सीखना पड़ेगा। हमारे इंडिया में क्या रहता है भाई, कोई कोर्स सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, लेकिन हमारे भाई लोग ये नहीं बताते हैं कि यार इस काम में जैसे कि हमको प्रिंटर मशीन है उसको खराब, अगर मान लो खराब हो गई है, ये सिस्टम को कैसे ठीक करना है। और इसके अंदर आता है A4 पेपर का साइज, जिससे कि देख सकते हो आप लोग, यह A4 पेपर का साइज यहाँ पे इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, यानी कि इसमें बड़ा साइज भी रख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार खोल के दिखा देता हूँ यार, इसमें काफ़ी ज़्यादा, यानी कि भाई लोग बोलते हैं कि कैसे कोर्स सीखें। भाई ये आप लोग सीख सकते हो, ये आता है अंडर ITI के अंदर, यानी कि अंडर ये इसके ITI का जो कोर्स होता है, हमारे भाई लोग जो सीखे रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी यानी कि बारीकी काम है, लेकिन अगर आप लोग सीखना चाहते हो ना सीख सकते हो, कोई भी बारीकी काम नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे देखो क्या लिखा रहता है, ये अभी मशीन चालू हो रही है, खुल रही है, तो अभी देखते हैं। और इसमें लिखा हुआ है ट्रे टू, ओके ये क्लोज करते हैं, बहरहाल वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो पड़ा रहता है ना पेपर वगैरह, इसको इसी के अंदर सेट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इंडिया में ये कोर्स सीख सकते हो, ये लगभग मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने में आप लोग एक कोर्स सीख सकते हो। और आप लोग को जैसे कोई मशीन खराब हो गई, कुछ जैसे ये अभी मेरे पास ये मशीन खराब हो गई है, लेकिन जो यहाँ पे अरबी लोग होते हैं ना, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यानी कि उन लोगों को काफ़ी कुछ नहीं पता होता है, इसी वजह से यहाँ पे बंदे को रखते हैं, हायर करते हैं, 500 दिनार सैलरी देते हैं, 600 दिनार सैलरी देते हैं कंपनी में, और फिर यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ ऑफिस में बैठा देंगे। और जब कभी यानी कि डेली मशीन नहीं खराब होती भाई, क्या प्रिंटर जो मशीन होती है कॉपी करने के लिए, एक पासपोर्ट जैसे कि आप कॉपी करना है, कुछ भी कॉपी करना हो गया, तो आप लोग यार उसमें अगर खराब हो जाता तो बना सकते हो ना। और यहाँ पे सिस्टम चालू होता है, जैसे कि प्रिंटर का सिस्टम है, यहाँ पे देख सकते हो प्रिंटर का सिस्टम है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरा इसी से कनेक्टेड होता है, ये प्रिंटर और ये सिस्टम इसी से कनेक्टेड होता है। यहाँ तक कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कैमरा लगाया गया है, यहाँ भी इसी इसी सिस्टम से कनेक्टेड होता है। अगर सिस्टम में लाइट गई तो यहाँ पे चोरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी केयरफुल्ली ये सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं। और आप लोग देख सकते हो, बहरहाल अभी इसमें क्या प्रॉब्लम बता रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ते हैं। लेकिन हमारे भाई लोग, अगर आप लोग इस कोर्स को करके सीख कर आते हो, यानी कि ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर में, यानी कि ITI के अंदर आता है, आप लोग चाहो तो सीख सकते हो। और यहाँ कंपनी में लोग कैसे काम करते हैं आप लोग जान सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यानी कि पैसा मिलता है यहाँ पे, लेकिन कोई भी भाई आपको बताने वाला नहीं मिलता। अब मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये आपका भाई है, आपको बताता रहेगा। और हमारे भाई लोग सोचते हैं कि कुवैत में जाएंगे 2023 में, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। हाँ ठीक है, बात है भाई, कमाइए, मेरी दुआ आप लोग के साथ है। तो आप लोग जान सकते थे किस तरीके से हमें भाई लोग काम करते हैं। गाय जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोग को दिखाया था यहाँ पे कंप्यूटर से नॉलेज, यानी कि जो ITI सिस्टम होता है और इसमें जो प्रिंटर मशीन होती है, इसको अरबी में बोलते हैं ताबा। ताबा जब खराब हो जाता है ना, तो ताबा को ठीक करने के लिए यहाँ पे एक बड़े ITI की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ITI होता है ना, एकदम फालतू आदमी होता है, फालतू यानी इसको नहीं बोल सकते, काम नहीं है,
क्योंकि इसका जो स्किल होती है ना, कभी 3 महीने में 4 महीने में काम लगता है। जैसे कि अगर कोई बड़ा मैनेजर है और उसको कुछ यानी कि सोचना है, कुछ एक्सपीरियंस उसको यानी कि लाना है, जैसे कि सोच कर ला सकता है ना, क्योंकि उसके उसी के बेसिक में उनको नॉलेज होती है। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता है वो सीख नहीं सकता है। तो आप लोग जान सकते हैं, अगर भाई भाई ने सीखा यहाँ पे 3-4 महीना, कभी कभी तो ज्यादा लग जाता है प्रिंटर को ठीक करने के लिए। और अगर हमारे भाई लोग यहाँ पे सीख कर आते हैं 2023 में काम करने के लिए, तो उसमें काफी पैसा मिलता है। यहाँ तक कि उनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड, यहाँ तक कि उनको साथ में ये भी कोर्स कर लेना चाहिए जो प्रिंटर कैसे खराब होता है, कैसे बनता है, कैसे रिपेयर होता है और क्या क्या प्रॉब्लम होती है इन इसके अंदर। और इसमें एक सिस्टम होता है टोनर। टोनर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो प्रिंटर की स्याही होती है, जो प्रिंटर जैसे कैसे प्रिंट करता है, उसमें कलर कैसे करते हैं, उसका टोनर आता है। काफी ज्यादा महंगा होता है कोर्ट में, लेकिन कंपनी में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपनी आपको पूरा खरीद के देगी। बस आप लोग को क्या काम करना है, इंडिया में कोर्स सीखना है और कोर्स सीख कर यहाँ पे आना है, कोर्ट में काम करना है। और महीने में आप लोग को यार जान सकते हो ना काफी पैसा मिलता है। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मेरे भाई लोग यार उन लोग को पता ही नहीं यार कि कुवैत में इतना पैसा मिलता है, अब मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे भाई लोग ऐसे हैं जो इंडिया में हैं और वो लोग काफी ज्यादा बैचलर डिग्री प्राप्त किए हैं, यहाँ तक कि बीबीए कर ले चुके हैं और बीटेक कर चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता। अगर इंडिया में कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं ना, उनको कितना मिलता है, लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन लोगों को मिलता है 15 से 20 हजार। क्या 15 से 20 हजार रुपए में आप लोग का पूरा खर्चा चल जाएगा, घर का, आपके माँ बाप, बहन भाई और भी लोग रहते हैं, क्या आप खर्चा पूरा चल जाता है? लेकिन नहीं चलता है। लेकिन अगर आप लोग यही कोर्स कर अगर आप लोग कुवैत में आते हो, जॉब करते हो, तो आप लोग को जान सकते हो ना काफी ज्यादा फायदा हो जाता है भाई। यहाँ पे यहाँ तक कि अपने लाइफ सेटअप कर सकते हो, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपना यानी कि रहन सहन ठीक कर सकते हो। तो मेरा वीडियो बनाने का इतना मकसद था कि मैं आप तक ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर पाऊं। और मैं आप लोग को वीजा तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारे भाई लोग बोलते हैं कि भाई प्लीज हमारे लिए वीजा भेजिए, क्योंकि भाई मैं वीजा काम नहीं करता हूं। बस मैं आप लोग को एक सही इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, क्योंकि जो वीजा देता है काफी फ्रॉडी वाला काम करते हैं, मैं कोई भी फ्रॉड वाला काम नहीं करता हूँ। और वो लोग बोलते हैं कि भाई हम आपको कम वीजा और कम पैसा में वीजा देंगे, ये है वो है, काफी लोग बोलते हैं। लेकिन वहां पे जाने से अच्छा है आप लोग किसी दोस्त या रिश्तेदार को बोलिए, अगर आप लोग वीजा लेना चाहते हो तो आप लोग ऑफिस से जा सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप लोग चाहते हो कि एक वीजा कैसे मिले, यानी कि वीजा कैसे मिले हमारा, और ना कि कोई फरार हमारे साथ हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप लोग का कमेंट रहा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, एक फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि वीजा हमारा कैसे निकलेगा और हम कम पैसे में कैसे कोर्स आ सके 2023 में, क्योंकि 2023 जा रहा है, 24 जा रहा है, 25 जा रहा है, लेकिन हमारे भाई लोग जो इंडिया में है उनको कोई यानी कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम उनके साथ तो प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या बताऊं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप लोग मेरी वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं।